सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है अपने फोर लेन से और अभी जा रहे हैं हम कांगड़ा। तो आज इसका मैं चेन सेट लेके आऊँगा, जो कि इसका जो फ्रंट स्प्रोकेट है वो पूरी तरह से भाई टूट चुका है इसके अंदर, और चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो अभी तो इसकी रीडिंग जो है वो आधी भी नहीं हुई है, बट मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर ही दूँ क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो अभी कांगड़ा चलते हैं। मैंने फ़ोन किया था सुबह TVS के सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि आ गया चेन सेट, तो लेके आते हैं। डलवाएंगे तो नहीं, इतना टाइम नहीं है डलवाने के लिए, बाकी परचेज़ करेंगे और गाइड वगैरह भी आ गई इसकी। सो सब कुछ लेके आएंगे और मेरे साथ जा रही मेरी सिस्टर। हेलो शर्मा गई गाइज। चलो आज इसने बाइक राइड करनी, भाई ये बोल रही थी कि बाइक सिखा दे मुझे, बाइक सिखा दे। तो इसको बाइक सिखाएंगे अभी, और जब सीख जाएगी उसके बाद भाई इसको भी एक सेटअप बना के दे देंगे, मैं ऑटो व्लॉगिंग करेगी ये। चलो इसको देते हैं बाइक और चलते हैं। फिर थोड़ी बहुत सिखाई है मैंने इसको, पहले चलाई है इसने, एक दो बार ही चलाई है, बट देखते हैं आज चला पाएगी कि नहीं। और चलो लोगों के रिएक्शन भी देखेंगे और कैसे आते हैं। हेलमेट नहीं लाया मैं, हेलमेट तो एक ही मेरे पास, मैं पीछे शूट करूँगा। सो ये तो ऐसे चलेगी, धीरे चलेंगे, वैसे तो फोर लेन ही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है वैसे तो आज। चल चलो चलते हैं, पहले जो सिखाया तुझे वो बता क्या क्या है, कौन सी चीज़ क्या होती है। क्लच ब्रेक, जोर से बोल। क्लच ब्रेक, हाँ, पीछे वाली ब्रेक। ये गियर है वो ब्रेक। हाँ वो ब्रेक पीछे की, ये गियर है, पांच गियर है इसमें, ठीक है, और पावर बहुत ज़्यादा है, देख लेना अपने हिसाब से। चल स्टार्ट कर इसको, गियर में बाइक, रुक जा अभी, इसको न्यूट्रल कर पहले, उधर से न्यूट्रल कर इसको, ऊपर कर पैर से इसको, इसके ऊपर पैर रख, रख दे रख दे, स्टैंड पे है, इसको ऐसे फंसाना इसमें, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, नीचे कर अभी थोड़ा सा इधर, हाँ बस न्यूट्रल हो गई। कर स्टार्ट इसको अभी, हाँ केल स्विच कर ऑन, रुक जा, चल स्टार्ट कर बस। तो गाइस स्टार्ट वगैरह तो कर लिया इसको, पहले सिखाया था मैंने, तो चलो अभी चलाते हैं बाइक, इसको देते हैं बाइक और फिर देखते हैं। कष्ट सीधी कर इसको, स्टैंड था स्टैंडर्ड आ तू। सो गाइस बिगिनर है ये पूरी तरह से अभी तक, सीधा कर हैंडल पकड़ ले। सो गाइस गाड़ी वगैरह देख लेते हैं और चलते हैं, रुक जा, छोड़ दे क्लच, क्लच छोड़ दे पूरा, ले अभी पैर मार ऊपर एक बार, गियर को गियर को गियर को पैर मार, तीसरा गियर डाल, ऊपर मार ऊपर की तरफ, बस छोड़ दे छोड़ दे क्लच, बस छोड़ दे पूरा क्लच छोड़ दे, अभी रेस के सहारे चलनी बस। तो गाइस बस इतनी सी बात होती है। बस ना लड़कियों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, बाकी तो और कुछ नहीं है। सर लोगों के रिएक्शन भी देखते हैं आगे। चल चल अभी एक्सेलेटर, जैसे स्कूटी चलाती है ना तू वैसे चल, अभी कुछ नहीं करना, अभी तूने ब्रेक मारनी होगी तो क्लच प्रेस करना, फिर ब्रेक धीरे धीरे, वैसे चला तो लेती है बट अभी इसको इतना पता नहीं गियर्स वगैरह का, तो उसमें उलझ जाती। स्कूटी तो सिखा दी थी इसको मैंने, पीछे से गाड़ी आ रही है, चल रही है अपने साइड, कोई नहीं इसको ट्रेन कर देंगे गाइस पूरा पूरे तरीके से। सीधे सीधे जाना सीधे, हाँ। सो गाइस प्रॉपर वीडियोज़ बनाया करेंगे इसको बाइक, जब तक हम सिखाएंगे तब तक वीडियोज़ बनाएंगे हम पूरे तरीके से। और जो लड़कियाँ भाई न्यू न्यू सीखना चाहती हैं वो भी देख सकती हैं इस वीडियो को। क्लच मत प्रेस कर, छोड़ दे क्लच को, चल तू रेस के सहारे चल, दे रेस दे, एक्सेलेरेट कर इसको थोड़ा सा। सो गाइस जो भी लड़कियां वगैरह वीडियो देखना चाहती है बाइक सीखना चाहती है भाई वो देख के सीख सकती हैं, सब कुछ सिखाऊंगा इसमें, लड़कियां क्या गलतियां करती हैं क्या नहीं, और देखते ये कब तक सीखती है बाइक। चलो फिर इसका MT-15 ले देंगे एक। फिर मोटो ब्लॉगिंग किया करेंगे साथ में, कुछ न्यू क्रिएट करते हैं गाइस। चल चल एक्सेलेरेट कर, डर मत इसको, आराम से चलने दे, कॉन्फिडेंस के साथ चला इसको, चल शाबाश चल,
चल चल तू, इन्होंने हट जाना खुद ही। और जहाँ पे स्कूटी का होता है भाई, बंदों के रिएक्शन बहुत खतरनाक आते हैं। और वो देखो वैसे हमारे इधर अभी तक तो कोई भी लड़की जो है वो मोटो ब्लॉग कर नहीं है भाई, सिंपल सी बात। मोटो ब्लॉग के ऐसे ब्लॉग्स वगैरह इतने ज़्यादा चलते नहीं हमारे इधर, लड़कियाँ वगैरह कुछ नहीं करती हैं। चल तू थोड़ा सा बका इसको, खाली रोड चल। वो देखो बंदे कैसे देख रहे हैं भाई अल्टीमेट रिएक्शन आते यार। तो भाई थोड़ा सा दूर तक लेके जाएंगे फ्लाई ओवर के ऊपर, फ्लाई ओवर तक, और बाद में ले लेंगे यार। भाई इधर कुछ मर गया यार, शिट, बिल्ली वगैरह मार दी यार। गाइस लोग ना देखते नहीं यार। चलो, ओ भाई कबूतर भी मार दिया यार, कि क्या हो रहा है। पीछे बिल्ली, आगे कबूतर, साइड में हो जा, अपनी साइड हो जा, एक साइड चल। बस इधर लगा दे साइड में, रुक जा इधर ही साइड में फ्लाई ओवर के। क्लच प्रेस कर, पूरा कर ले, ब्रेक पे हाथ रखा, अगली धीरे धीरे लगा इसको, लगा धीरे धीरे, लगा धीरे धीरे। सो गाइस बस इधर बोल, कैसा एक्सपीरियंस था भाई। ये बोलती रहती है कि लड़के बाइक क्यों चलाते रहते हैं, क्यों चलाते रहते हैं। मैंने इसको बोला था कि जब तू चलाएगी ना तब तुझे पता लग जाएगा क्यों चलाते हैं, तो आज इसने चला ली और भाई अब बोल रही है इसलिए चलाते हैं बाइक भाई बाइक चीज़ ऐसी है यार। चलो अभी चलते हैं, अभी पहले कांगड़ा चलते हैं ना सर्विस सेंटर, उधर चेन सेट लेते हैं इसका, बाकी थोड़ा सा काम हो रहा है कांगड़ा में वो निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मिलते क्या, उधर ही मिलते हैं कांगड़ा में सीधा सर्विस सेंटर में ही। ओ भाई, सो गाइस अभी एक रील वगैरह वायरल हुई थी ट्रैक्टर वाली, जो पुल के ऊपर चला रहा था ना भाई, वो ये वाला ब्रिज है, देखे हो क्या आपने वो रील, जो ट्रैक्टर चला रहा था ना बंदा रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो ये वाला रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर चला रहा था यार। सो गाइस फाइनली कांगड़ा तो पहुंच चुके, बट ट्रैफिक बहुत गंदा लगा। आगे देखो लाइन कितनी लंबी लगी है गाड़ियों की यार, बहुत ज़्यादा तंग जगह है ये, इस कारण इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है यार। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा क्लियर होने में, अभी थोड़ा दूर है सर्विस सेंटर पहुँच जाएंगे, बट पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार आगे ट्रैफिक ना मिले। बाकी एक बंदे ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था भाई डेली ब्लॉग करो, तो भाई डेली ब्लॉग तो अभी मैं कर नहीं सकता, करूँगा कोशिश, अगर होगा तो कर लूँगा, बट अभी टाइम नहीं लगता यार इतना, सो देखेंगे क्या बनता है। बाकी एक भाई ने और कमेंट किया था कि भाई अपना सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ, जो भी आपका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, और आगे बहुत ज़्यादा लाइन लगी है गाइस, तो भाई उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा थोड़े दिनों में, आपको देखने को मिल जाएगी सेटअप के ऊपर। फाइनली सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, अभी हम ये रहा सामने सर्विस सेंटर, सामान वगैरह लेते हैं और फिर चलते इधर से, इधर लगा देते हैं बाइक कहीं बाहर ही। नमस्ते सर, बस बढ़िया, निकाल दो सामान ना इसका, चेन सेट दो आर टी आर का, और गाइड भी होने इसके, गाइड इसके चेन गाइड एक आया बोला इन्होंने, हाँ छोटे वाला आया है। चलो चलते हैं, सामान ले लिया, चेन भी मिल गई इसकी और चेन गाइड भी, इंस्टॉल बाद में करेंगे अभी टाइम नहीं है, चलते हैं अभी इधर से। सो गाइस चलो अभी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है वो करते हैं पहले चल के, और तो अभी टाइम हो चुका 12:31, 11:30 बजे चले थे घर से, अभी तो कम टाइम लगता है यार कांगड़ा पहुंचने में, पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अभी तो रोड पूरा सीधा कर दिया है। बाकी भाई चेन सेट बहुत ज़्यादा महंगा है इस बाइक का, बहुत ही ज़्यादा, कुछ अगली वीडियो में देखते हैं डिस्कस करेंगे सारा प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊँगा। तो गाइस ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है, अभी शॉपिंग वगैरह कर ली और अभी चलो निकलते हैं घर के लिए। भाई 1:30 हो गए इधर ही यार, बाजार में जब बंदा घुस जाता है ना भाई टाइम का पता नहीं लगता यार।
और आगे फिर से ट्रैफिक लगा हुआ है इसी जगह पे। एक बंदे की वजह से भाई इतना ट्रैफिक लग जाता है भाई, आगे इधर जगह नहीं और फिर बीच में खड़ी कर देते गाड़ियाँ। ओ भाई देखो कितना कम स्पेस है यार, इधर कहाँ चल रही है गाड़ी साइड। गाइस ये अपना कांगड़ा का व्यू भाई, सामने बादल देखो, बर्फ वगैरह पड़ जाएगी अभी कुछ ही टाइम में। इन्होंने पूरा पहाड़ काटना है बीच में से, उसके बाद तैयार होगा इधर रोड, बहुत काम है इनको। एट अ टाइम देखो कितनी मशीनें काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ था गाइस खोदने को, ऊपर से इन्होंने पूरा खोद दिया, ये भी सामने भी। बट ना दिसंबर तक बोला कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे इसको, जो टनल है वो भी खोल देंगे दिसंबर के मंथ में। अभी लगा हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 महीने बाद। भाई चेन बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है बाइक की, और गियर भी बहुत ज़्यादा हार्ड डल रहे हैं, ऐसा डल जाएगा ना तब ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। चलो ले तो आया हूँ, डाल दूँगा जल्दी अभी इसको भी, और फ्यूल अप भी करवाना थोड़ा सा बाइक में यार। भाई धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, अभी टाइम 2 बज चुके हैं। जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा ना तब तो कांगड़ा पहुंचने में सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 मिनट बाइक पे। तो पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, अराउंड 40 से 45 मिनट लग जाते थे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:13 और पेट्रोल वगैरह फिलअप करवा ली बाइक में। सो चलो अभी इसी के साथ वीडियो कर देते हैं एंड, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है यार, अब पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में घर, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। और सो अगर चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइज़।